गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम गोपी कुमार श्रीवास्तव एंड दिस इज माई सेकेंड चैप्टर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ इकोनॉमी क्लास 10। चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। हमारा जो सेकेंड वीडियो है इसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड आउट ऑड वन आउट। ऑड वन आउट मतलब कि आपको क्या करना है, इस जितने भी चीज़ दिया है उसमें से आपको एक चीज़ को अलग करना है कि कौन अलग है। जैसे धोबी लिखा है, टेलर लिखा है और पोर्टर लिखा है। ये तीनों देखने से लग रहा है कि हाँ सेम कुछ एक्टिविटी कर रहा है, पर टूरिस्ट गाइड जो है ये सर्विस सेक्टर में है। देख सकते हैं आप, पोर्टर जो हो गया, टेलर जो हो गया, धोबी जो हो गया, ये सर्विस सेक्टर में नहीं है। ये बिल्कुल सेकेंडरी सेक्टर, या आप इसको प्राइमरी सेक्टर में कह सकते हैं ना, सेकेंडरी सेक्टर में कह सकते हैं। पर ये जो टूरिस्ट है इससे बिल्कुल अलग है, ये तीनों से मैच नहीं कर रहा है, जिससे ऑड वन आउट में आप टूरिस्ट को रख सकते हैं। फिर है अगला हमारा, टीचर है, डॉक्टर है, वेजिटेबल विनर है, फिर लॉयर है। देखिए लॉयर प्रोफेशन में आता है, डॉक्टर भी प्रोफेशन में आता है, टीचर भी प्रोफेशन आता है, फिर वेजिटेबल का क्या काम, मतलब ये ऑड वन वन आउट है, इसको हटा दें। फिर पोस्टमैन है, कॉबलर है, सोल्जर है, पुलिस कांस्टेबल है। अब देखिए यहाँ पे आपका पास सोल्जर है, पुलिस है, कांस्टेबल है, सॉरी पुलिस कांस्टेबल है, फिर कॉबलर भी दिया है, फिर पोस्टमैन भी दिया है, तो इसमें से कौन सा अलग होगा हमें। देखिए इसमें ओड, इसमें जो ओड वन आउट है उसमें हमारा जो आंसर होगा वो आपका बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं, MTN है, रेलवे है, सहारा एयरलाइन जो है प्राइवेट कंपनी है, तो ये नहीं आएगा। बाकी सब जो है गवर्नमेंट के अंदर काम करता है, इसलिए बाकी सब आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस बात को, इसके आंसर को भी आप अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग को वाई बताना है, स्टेटमेंट देना बताना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन कहा गया है कि डू यू थिंक द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इनटू द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी इज यूजफुल। क्या हम लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब होता है, देखिए समझिएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या होता है। अगर हम किसी भी चीज़, हमारे देश में जो भी चीज़ें होता है वो दो भागों में होता है। एक पहले होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी पैसा कमाने के लिए किया जाता है उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, जो भी चीज़ें हम लोग पैसा कमाने के लिए नहीं करते हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। ठीक ना, तो यहाँ पर कहा गया है कि आप डू यू थिंक द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इनटू द प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इज यूजफुल। क्या आप जो हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन भागों में बांटते हैं, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शियरी में, क्या ये यूजफुल है, एक्सप्लेन करना है। द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इनटू द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी इज यूजफुल ऑन द अकाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल हम लोग इसलिए इसको क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि हम लोग इन्फॉर्मेशन पता रहे, और इट प्रोवाइड हाउ एंड वेयर द पीपल ऑफ द कंट्री आर एम्प्लॉयड। इससे हमें ये पता चलता है कि कितने लोग कहाँ पे एम्प्लॉयड हैं। अगर जब तक हम लोग तीनों चीज़ों को अलग अलग नहीं कर देंगे, हम लोग पता कैसे चलेगा कि प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, सेकेंडरी में कितना काम कर रहे हैं और टर्शरी में कितना काम कर रहे हैं। Also help in the setting as to which sector of the economic activity contributed more or less to the country GDP। और ये भी पता करते हैं कि कौन सा सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर, कौन सा सेक्टर जो है GDP में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इफ़ द सेकेंडरी सेक्टर इज डेवलपिंग मच फास्टर देन द प्राइमरी सेक्टर। अगर ऐसा होगा कि हमारे देश में सेकेंडरी सेक्टर ही सबसे ज़्यादा आगे हैं प्राइमरी सेक्टर से, इट इम्प्लाइड दैट द एग्रीकल्चर सेक्टर इज डिफ्लेक्टिंग। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी सेक्टर अगर कम है तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, और सर्विस सेक्टर क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। एंड द गवर्नमेंट मस्ट टेक द मेजर टू रेक्टिफाई दिस। और गवर्नमेंट को क्या करना है, कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर अगर घटने लगेगा तो कौन खेती करेगा। द नॉलेज दैट द एग्रीकल्चरल प्रोफेशन इज द बिकमिंग अनपॉपुलर। इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर जब भी प्राइवेट सेक्टर कम हो जाएगा तो मतलब ये हो गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर अब पॉपुलर नहीं रहा, अब लोग काम नहीं करना चाहते हैं। रिसेशन कैन ओनली कम इफ दे नो विच सेक्टर इज बिलोंग टू है, दिस इज नेसेसरी टू क्लासिफाई द इकोनॉमिक ट्रेन टू द दिस थ्री सेक्टर। इसलिए इकोनॉमिक सेक्टर को हम लोग इसलिए भागों में बांटते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा सेक्टर हमारा अच्छा चल रहा है, किसमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है। इस तरह से पता करने के लिए हम लोग किसी भी इकोनॉमिक ट्री को तीन भागों में बांटते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ताकि पता चले कि गवर्नमेंट को किस पे काम करना है, किस पे काम नहीं करना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर विच ऑफ द सेक्टर डैट केम अक्रॉस इन दिस चैप्टर वाई शुड वन फोकस ऑन द एम्प्लॉयमेंट एंड GDP, कुड देयर बी अदर इशू विच वी एग्जामिन डिस्कस। और इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप डिस्कस करें, अच्छे से लिखें हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 को। सो थैंक यू, दिस वीडियो कम्प्लीटेड, मस्ट राइट एंड लर्न दिस क्वेश्चन आंसर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस दिस क्वेश्चन नंबर 7।
थैंक यू।